वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आपको पता ही है जैसे कि यूजीसी नेट के फॉर्म्स आ चुके हैं, तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम, वो भी विजुअल आर्ट के। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर रहेगा जो, वो हमारा 2018 का जुलाई का रहेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे कौन कौन से पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा रवि वर्मा के ऑडियोग्राफ को माना जाता है, तो क्या माना जाता है? अभिव्यक्ति परक शैली, बाजार शैली, यूरोपीय शैली या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं कौन सी हैं? ऑप्शन हैं आपके प्लेनोग्राफी और सेरीग्राफी, या लिथोग्राफी और वुडकट, या एक्वाटेंट ड्राई पॉइंट, या लिथोग्राफ ड्राई पॉइंट और वुडकट। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि दिया हुआ है लिथोग्राफी और वुडकट। अगला दिया हुआ है, ब्रेयर के रूप को भी जाना जाता है, तो किस रूप से में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सॉफ्ट ग्राउंड, ब्लॉक ऑफ वुड, रबर रोलर, स्क्वीजी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रबर रोलर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके रेनवा, पिकासो, जगदीश डे या जे स्वामीनाथन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, जो कि है जे स्वामीनाथन। अगला दिया हुआ है, छापा चित्र फाइव फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके विशन कुमार भारद्वाज, सुभाष घोष या शुक्ला सावंत या मोती झरोटिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जो कि है विशन कुमार भारद्वाज। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सेरीग्राफ, लिथोग्राफ, ऑलियोग्राफ्स या कोलोग्राफ्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑलियोग्राफ्स। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है, वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? तो ऑप्शन है आपके पोटेशियम पैरामैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या नाइट्रिक्स ऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, जो कि दिया हुआ है पोटेशियम परमैग्नेट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है, भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके 1825 से 1830, या 1830 से 1807, या 1890 से 1905, या 1920 से 1930। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 1825 से और 1830 तक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन से आपके सर जोसुआ रोनाल्ड, डेविड अनेल्सले या बेकन या आर्टन। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, जो कि दिया हुआ है सर जोसुआ रोनाल्डस। अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है 10 नंबर, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन है आपके पॉल क्ली, माहौल नेगी, रॉबर्ट मदरवेल या काजिमीर मालेविच। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, काजिमीर मालेविच। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओसी गोंगली, डब्ल्यू जी आर्चर या एम एस रंधावा या ए के स्वामी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, एम एस रंधावा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन हैं आपके एम एफ हुसैन, एस एच रजा, एफ एन सूजा या के हैबर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, जो कि है रजा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? ऑप्शन हैं आपके किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली या बसोहली शैली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा शैली। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, दिया हुआ है, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन से आपके 1932 न्यूयॉर्क में, या 1930 पेरिस में, या 1940 वाइमर, या 1942 डब्लिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जो कि दिया हुआ है 1930 ईस्वी में पेरिस में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उस स्थान का नाम बताइए जहां पर भारत महोत्सव 1885 से 86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।
तो ऑप्शन है आपके मॉस्को, लॉस एंजल्स, लंदन या पेरिस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर जो कि दिया हुआ है लॉस एंजल्स। अगला क्वेश्चन है आपका आर्मरीसो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन हैं आपके मार्क रोथोको और गॉर्की या वाल्ट कुहान और डेविस के द्वारा या पोलाक और डिक्यूनिंग के द्वारा या फ्रांस एलक्लाइन और मार्क टोबी के द्वारा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि दिया हुआ है वाल्ट कुहान और आर्थर बी डेविस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है सेरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है। ऑप्शन से आपकी रोमन, गॉथिक, अनसियाल्स या स्यूडो सेरिफ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रोमन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 18 नंबर। एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन से आपके स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक या आइजक न्यूटन या रॉफ जेनॉफ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर जो कि है रॉफ जेनॉफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जो भर्त्सना की लेटर्स ऑफ नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साइंस। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि दिया हुआ है एरिक गिल। तो एरिक गिल किस लिए है, लेटर्स और नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड जो कि है आपकी भर्त्सना जी की और उसमें आप टाइपोग्राफी का काम किया था एरिक गिल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है किसने 1920 के दशक के मध्य सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया था। ऑप्शन से आपके मॉनरे, लुई डॉगेर, डब्ल्यू हेनरी वॉक टालबोट या जॉन हेनरिक सुल्ज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा जो कि दिया हुआ है मन रे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक पाठ के पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन से आपकी डिसेंडर, डॉप कैप, स्मॉल कैपिटल्स या ग्रोटेस्क। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रॉप कैप, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। तो किस चीज़ का विकास हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद या पहले विश्व युद्ध के बाद या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद या स्पेनिश अमार्डा की पराजय के बाद। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर जो कि है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण से ऑल फोटोग्राफी समाचार पत्रिका थी। ऑप्शन से आपके हपर्स बाजार, शटरबग, लाइफ या फॉर्च्यून। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइफ। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है। ऑप्शन से आपके रॉकवेल कैरेक्टर्स या स्वास कैरेक्टर्स या लोगोटाइप या फिर एसमेट्रिक कैरेक्टर्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, लोगोटाइप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। दिया हुआ है आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, गीता कपूर, अनीस कपूर, सरयू दोषी या गायत्री सिन्हा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गायत्री सिन्हा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली का वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन से आपके परशुरामेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर या लिंगराज मंदिर या कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर जो कि है लिंगराज का मंदिर। अगला क्वेश्चन है हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था। ऑप्शन से आपके मिराक मिर्जा ग्यास, उस्ताद अहमद यस करीम या फिर उस्ताद ईसा सिराजी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर जो कि दिया हुआ है मिराक मिर्जा ग्यास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रण के लिए जाना जाता है।
ऑप्शन हैं आपके एडवर्ड मुंक, एडवर्ड हॉपर या जॉर्जियो सिरको या अल्बर्टो सेवनिको। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्जियो सिरको, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र को सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की है। ऑप्शन से आपके क्लाइव बेल, रोजर फ्राई या आई ए रिचर्ड्स या हर्बर्ट रीड। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि दिया हुआ है क्लाइव बेल। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है आपका, तालमान से संबंधित है। तो तालमान किससे संबंधित है, प्रतिमा विज्ञान, संगीत, नृत्य या नाटक। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है प्रतिमा विज्ञान से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हो जाएंगे, वसहोली, जम्मू, गुलेर और जसरोटा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि है जसरोटा में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर, जो कि दिया हुआ है निम्नलिखित चित्रकारों में से नाम बताइए चित्रकार का जिसे ज्यामिति अब्स्ट्रैक्ट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन से आपके काजिमिर मालेविच, कंडेंसकी, मॉड्रियान या जेसन सेनालिंडो। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काजिमिर मालेविच, जो कि आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है अगस्त रौंदा ने मुख्य रूप से काम किया है, तो किस चीज़ में किया है, प्लास्टिसाइन, वैक्स, क्ले या संगमरमर। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका क्ले, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन से आपके ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर या वाइट मेटल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। और ब्रॉन्ज तो आप जानते ही हैं, कांसा जिसे कहते हैं, वो तीन धातुओं से मिलकर बना होता है, तांबा, जस्ता और टिन से। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है। तो क्या संबंधित है, मल्टीपल कास्टिंग, ब्रांच कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग या रबर कास्टिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, जो कि है ब्रांच कास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एक्सटिप्सी ऑफ सेंट टेरेसा नामक जो मूर्तिकार का मूर्तिकार कौन है। ये मूर्ति है एक आपकी एक्सटिप्सी सेंट टेरेसा। तो इसके मूर्तिकार को पहचानना है, दिया हुआ है ऑप्शन आपके डोनातेल्लो, वर्नी या पिजाला या सालजियो। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि दिया हुआ है वर्णनी। अगला क्वेश्चन है आपका, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष रहा है। ऑप्शन से आपके धनराज भगत, चिंतामणिकर या बी एस काट या शंखो चौधरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, शंखी चौधरी। अगला क्वेश्चन है, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन जो है नई दिल्ली के पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन से आपके डीपी राय चौधरी, सर्वरी राव चौधरी, रामकिंकर वैज या फिर शंखो चौधरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रामकिंकर वैज, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। तो किससे संबंधित हो जाएंगी, लास्ट वैक्स कास्टिंग से, सेरेमिक्स, सैंड कास्टिंग या फिर डोगरा कास्टिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, जो कि है सेरेमिक्स। अगला क्वेश्चन है, मेलेट से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्रांच कास्टिंग या डायरेक्ट मेटल स्क्रप्चर। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर, जो कि दिया हुआ है वुड कार्विंग। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें, तो एपोक्लिप्स जो होगा वो किससे संबंधित हो जाएगा, अल्बर्ट ड्यूरर से संबंधित हो जाएगा एपोक्लिप्स, और द डांस ऑफ डेथ जो है आपकी, तो ये हैंस हॉलविन से संबंधित हो जाएंगी। एंड लॉस कैपिकोस की बात करते हैं तो ये गोया से संबंधित हो जाएगा, और थ्री क्रॉसेस आपकी रैम्ब्रा से संबंधित हो जाएंगे। आप इसके अकॉर्डिंग आंसर्स चूज कर लीजिएगा। अगला दिया हुआ है सुमेलित करने को डिगिंग, तो डिगिंग किससे आप मैच करेंगे, तो एनग्रेविंग से करेंगे। कटिंग की बात करते हैं तो ब्लेड से कटिंग होगी, और कार्विंग की बात करते हैं तो ये गोज यानी कि गाउज भी कहते हैं इसको, और स्क्रेचिंग आप नीडल से करते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी आंसर आप चूज करिएगा।
अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 105 एडी से, तो 105 एडी से आपका मैचिंग हो जाएगा कागज, तो 105 कागज से, और 220 एडी की बात करेंगे तो वुडकट से संबंधित हो जाएगा। 1512 की बात करते हैं तो ये इंचिक से संबंधित होगा, और 1904 की बात करेंगे तो ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित हो जाएगा। अगला दिया हुआ है प्लेनोग्राफ, तो प्लेनोग्राफ किससे संबंधित है, तो मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखता है, यानी कि प्लेन रहता है। स्टेंसिल की बात करते हैं तो स्टेंसिल आपकी मैनग्रेव के माध्यम में छपाई सामग्री दबाई जाती है स्टेंसिल के द्वारा। और कोलोग्राफी की बात करते हैं तो कोलोग्राफी जो होता है वो छापा सतह को टेक्सचर्ड सामग्री द्वारा चिपकाया जाता है, जैसे कॉलाज होता है वैसे ही ये भी होता है। अब वुडकट की बात करेंगे तो ठप्पा के द्वारा छपाई की जाती है। अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। कवल कृष्ण जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ग्रुप 8 से कवल कृष्ण, सॉरी दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हो जाएंगे आपके कवल कृष्ण। और हिम्मत शाह की बात करते हैं तो ग्रुप 1890 से संबंधित होंगे। और अनुपम सूद की बात करते हैं तो ये एक ग्रुप 8 से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि छापाकारों का रहा है। और मोहन सावंत की बात करते हैं तो ये बॉम्बे ग्रुप से संबंधित रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है स्पीकिंग ट्री, तो स्पीकिंग ट्री जो रहेगी वो रहेगी रिचर्ड लेनॉय से संबंधित। और बिगनिंग ऑफ साउंड, तो बिगनिंग ऑफ साउंड जो रहेगा वो पीटी रेडी का रहेगा, जो कि यंग तुर्क के बहुत ही विख्यात कलाकार रहे हैं यंग तुर्क से। और अगला जो दिया हुआ है सिटी स्क्वायर, तो सिटी स्क्वायर से संबंधित रहेंगे जोकोमेती, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। और आर्मरी शो की बात करते हैं तो आर्थर वी डेविस से संबंधित हो जाएगा। अगला दिया हुआ है टेंपल ऑफ अंकोर वाट, तो ये किससे संबंधित होगा आपका, तो खामेर शैली से। अगला दिया हुआ है टेंपल ऑफ हेरा, तो हेरा यूनानी कला से संबंधित हो जाएगा। और टेंपल ऑफ इम्प्रेशियंस, तो ये आपकी माया कला से संबंधित हो जाएगी, और जिगुरात एलामी कला से संबंधित हो जाएगी। अगला है अंजलि इला मेलन को करना है सम्मिलित, तो अंजलि इला मेलन का म्यूटेशन से संबंध हो जाएगा। और अर्पणा कौर की बात करेंगे तो अर्पणा कौर सेडेट सिटी से संबंधित हो जाएंगी। और गोगी सरोजपाल की बात करते हैं तो इंटरनल बर्ड से संबंधित होंगी अर्पिता सिंह एट्री से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है सर्वोत्कृष्ट कारपोरेट मार्क को डिजाइनरों के साथ सम्मिलित करें, तो नाइक स्विस, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे आपके, कैरोलिन डेविनसन से संबंधित हो जाएंगे। और डायसे बैंक जो है आपकी वो एंटन स्टेनबॉस्की से संबंधित हो जाएगी। और परमाणु निरस्त्रीकरण जो कि आपकी हो जाएगी जेराल्ड हाल्टन से। और लास्ट बचता है एप्पल कंप्यूटर, तो रॉफ जेनाफ से संबंधित हो जाएगा। अगला दिया हुआ है फोटोग्राफी में महत्वपूर्ण आविष्कारों को उनके आविष्कर्ताओं के साथ सुमेलित करें, तो कैमरा आविष्केरा जो दिया हुआ है वो 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है कैमरा आविष्केरा, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही जोसेफ निप्स से। और डोग्रो टाइप से संबंधित रहेंगे आपके लुई डेगरे। और कोलो टाइप से संबंधित हो जाएंगे आपके डब्ल्यू एच फॉक्स टेवाल से। और रॉयल फिल्म की बात करते हैं तो जॉर्ज ईस्टमैन से संबंधित हो जाएगा। अगला दिया हुआ है पोस्टरों को उनके डिजाइनरों के साथ सुमेलित करें, तो 1954 पिरेली पोस्टर जो है वो आपका टेस्टा अर्मोल्डा से संबंधित हो जाएगा। और 1896 का सेलन डी सेंट एक्स विजन्स पोस्टर जो है वो आपका अल्फोंस मुंक से संबंधित हो जाएगा। और 1981 का एशियन परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट पोस्टर वो आपका इको टोनाका से संबंधित हो जाएगा। और 1923 टाइटल पेज जो रहेगा वह हाउस का वो आपका संबंधित हो जाएगा माहौल नेगी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है सुमेलित करें, तो रबर ब्लैंकेट का संबंध हो जाएगा ऑफसेट प्रिंटिंग से। और चार्ज्ड कपल डिवाइस जो रहेगी वो आपकी स्कैनर से संबंधित हो जाएगी। और डेल्व अप फील्ड जो रहेगी फोटोग्राफी से संबंधित। और ग्लोटीन ट्रिमर जो कि रहेगी आपकी पोस्ट प्रेस से संबंधित। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ आर्ट, तो ये बुक किसकी हो जाएगी,
हर्बर्ट रीड की, और डांस ऑफ शिवा जो रहेगी एके स्वामी की रहेगी। अगला है आर्टिस्ट एक्सपीरियंस जो कि रहेगी जॉन डेवी की, और फीलिंग ऑफ फार्म जो रहेगी सुजन लैंगर की। अगला दिया हुआ है रिम्स कैथेड्रल, तो रिम्स कैथेड्रल कहाँ से संबंधित है, गोथिक से, और जो कोलोसियम है वो आपके संबंधित जाएगी रोम से। स्कूल ऑफ एथेंस जो कि महान विख्यात कलाकार हैं रैफेल, तो उनका रहेगा कार्य, और द स्टोन ब्रेकर कुर्बे का रहेगा जो कि जिसको हिंदी में कहते हैं पत्थर तोड़ने वाले। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, दिया हुआ है सुमेलित करने को मिनिमलिज्म, तो मिनिमलिज्म किससे संबंधित जाएंगी आपके, फंग स्टेला से, और अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो रहेगी वो आपके संबंध रहेगी बेसिल कंडेंसकी से, और दादा की बात करेंगे तो दादा से संबंधित हो जाएगा मार्शल धुनसा, और सर रियलिज्म से संबंधित हो जाएंगे रेने मैग्रेट। सो आज 55 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अगला जो इसी का हाफ पार्ट रहेगा वो अगले वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगला वीडियो में हम अगला लाएंगे, सो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।